हम बात करते हैं डब्ल्यू एच फैमिली पार्ट टू जो हमने पढ़ा था। डब्ल्यू एच फैमिली सिंपल आपको पता होगा, पार्ट फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था, क्यों को क्या बोलते हैं, वाई, वेयर मतलब कहाँ, हाउ कैसे, हु कौन, होम किससे, ठीक है, हुज किसका जिसका, विच कौन सा कौन सी, ये सब का यूज़ हमने पढ़ा था, तो सिंपल है, ठीक है। अब पार्ट टू की बात करेंगे जिसमें हमने क्या डिस्कस करा था, जैसे कि अगर मुझे किसे बोलना है कि क्या क्या, मतलब तुम क्या क्या पढ़ते हो, ठीक है, तुम क्या क्या करते हो दिन भर, तुम मेरे बारे में क्या क्या सोचते हो, कहाँ कहाँ जाते हो तुम, कौन कौन सी मूवी देखते हो, तो जहाँ पर डब्ल्यू एच फैमिली के जो जो क्वेश्चन वर्ड है ना, क्या क्या कहाँ कहाँ दो बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे, ठीक है, कैसे कैसे लोगों से मिलते हो, तो इस टाइप के क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या लिखवाया था, क्या क्या के लिए व्हाट ऑल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, व्हाट ऑल, क्या बोलते हैं, व्हाट ऑल, व्हाट ऑल मतलब क्या क्या, और सेम स्ट्रक्चर डब्ल्यू एच फैमिली का, इसका एक सेंटेंस कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे बोलना है कि तुम क्या क्या करते हो, तो व्हाट ऑल डू यू डू, करते हो, प्रेजेंट में क्वेश्चन है तो डिड लगेगा, टू लगेगा, क्या लगेगा, डू, डू लगेगा। तो ये ध्यान रखना है सेंटेंस बोलने के लिए, तुम दिन भर क्या क्या करते हो, तो व्हाट ऑल डू यू, डू यू डू, क्या बोलोगे, व्हाट ऑल डू यू डू, सब बोलो, व्हाट ऑल डू यू डू, व्हाट ऑल डू यू डू, ठीक है, व्हाट ऑल डू यू डू, तुम क्या क्या सोचते हो मेरे बारे में, व्हाट ऑल डू यू थिंक फॉर मी, सोचते हो मेरे बारे में, व्हाट ऑल डू यू थिंक, व्हाट ऑल डू यू थिंक अबाउट मी, अबाउट का मतलब होता है बारे में, क्या बोलेंगे, व्हाट ऑल थिंक अबाउट मी, क्या बोलेंगे, व्हाट ऑल डू यू थिंक अबाउट मी, अबाउट मी, ठीक है। तुम क्या क्या करोगे कल, क्या क्या करोगे, व्हाट ऑल विल यू डू टुमारो, फ्यूचर की बात हो रही है ना, तो क्या बोलेंगे, व्हाट ऑल विल यू डू टुमारो, वेरी गुड, दोबारा बोलो, व्हाट ऑल विल यू डू टुमारो, व्हाट ऑल विल यू डू टुमारो, क्या बोलेंगे, व्हाट ऑल विल यू डू टुमारो, व्हाट ऑल विल यू डू टुमारो, ठीक है। ये तो हो गया तुम्हारा किसका, व्हाट ऑल का। अगर मुझे बात करना है क्या कि कैसे कैसे, कैसे कैसे के लिए व्हाट टाइप, इसमें हाउ ऑल यूज़ नहीं करते, ठीक है, इसमें व्हाट टाइप ऑफ यूज़ करेंगे, व्हाट काइंड ऑफ यूज़ करेंगे, या फिर व्हाट सॉर्ट ऑफ यूज़ करेंगे, एस ओ आर टी सॉर्ट ऑफ, क्यों, क्योंकि हाउ ऑल का मतलब अगर मैं किसी शॉप पर जाता हूँ टी शर्ट खरीदनी है मेरे को, तो मैं क्या बोलूँगा उससे कि भैया आपके पास कैसे कैसे टी शर्ट है, तो कैसे कैसे टी शर्ट है इसका मतलब है कि किस प्रकार की टी शर्ट है आपके पास, मतलब पूछने का मतलब ये है। फ़ोन खरीदने के लिए जाता हूँ किसी के शॉप पे, अगर पूछता हूँ आपको कैसे कैसे फ़ोन है दिखाओ जरा, तो कैसे कैसे का मतलब किस प्रकार के, तो वहाँ पे मैं हाउ ऑल का यूज़ नहीं करेंगे, वहाँ पे व्हाट टाइप ऑफ का यूज़ करेंगे। व्हाट टाइप ऑफ का मतलब होता है कैसे कैसे, मतलब किस प्रकार के, या फिर व्हाट टाइप ऑफ के बदले भी हम यूज़ कर सकते हैं व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ, के आई एन डी काइंड, व्हाट काइंड ऑफ, या फिर एडवांस वर्ड में व्हाट सॉर्ट, एस ओ आर टी सॉर्ट ऑफ, ठीक है, व्हाट सॉर्ट ऑफ, ये यूज़ कर सकते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं दो तीन प्रैक्टिस करने के लिए। अगर मुझे बोलना है कि आप कैसे 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 कपड़े बेचते हो, व्हाट काइंड ऑफ क्लॉथ्स, वेरी गुड, व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ्स डू यू सेल, क्या बोलेंगे, व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ्स डू यू सेल, व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ्स डू यू सेल, सब बोलो, What type of clothes do you sell? दोबारा बोलो, What type of clothes do you sell? सेल, ठीक है। तुम कैसे कैसे मूवी देखते हो, What type of movie do you watch? क्या बोलेंगे, What type of movie do you watch? What type of movie do you watch? तुम वहाँ, मान लो तुम कहीं किसी जगह पर जा रहे हो, तो मैं पूछता हूँ तुम वहाँ कैसे कैसे लोगों से मिलोगे, What kind of, या फिर what type of, या फिर what sort of, what kind of people will you meet there? There का मतलब वहाँ, क्या बोलेंगे, What kind of people will you, कब बोलेंगे दोबारा, What kind of people will you meet there? What kind of people will you meet there? ठीक है, तो ये हो गया how all का, मतलब how all नहीं, मतलब how, मतलब कैसे कैसे लोगों के लिए what all, ठीक है। वाई ऑल का होता नहीं है, वाई मतलब क्यों क्यों, ऐसा कुछ संडस बोलते नहीं, भाई तुम क्यों क्यों झूठ बोल रहे हो, क्यों क्यों लेट आ रहे हो, ऐसा कहीं प्रैक्टिकली हम बोलते नहीं है, तो वाई ऑल का नहीं है, ठीक है। अगर मुझे बोलना है कि कब कब, कब कब के लिए वैन ऑल लगाएंगे क्या, वैन ऑल नहीं, क्योंकि कब कब का मतलब, अगर मैं तुमसे पूछूंगा तुम दिन में कब कब पढ़ते हो, तो कब कब का मतलब हो गया नंबर ऑफ टाइम्स, फ्रिक्वेंसी की बात कर रहे हैं, कितनी बार, तो कितनी बार के लिए क्या यूज़ करोगे आप, हाउ मैनी टाइम, तो जब तुम्हें कब कब बोलना हो तो वैन ऑल नहीं यूज़ करें, क्या यूज़ करेंगे, हाउ मैनी टाइम, हाउ मैनी टाइम, इससे एडवांस वर्ड में क्या होगा, हाउ ऑफन, ऑफ्टन में टी साइलेंट होता है, ओ एफ टी ई एन स्पेलिंग होती है, टी साइलेंट होता है, तो हाउ ऑफन बोलेंगे, ठीक है, हाउ मैनी टाइम, या फिर हाउ ऑफन। अगर मुझे बोलना है कि तुम दिन में कितनी बार पढ़ते हो, तो
How often do you study? Very good. क्या बोलेंगे? How often do you study? Very good. क्या बोलेंगे? How often do you study? तुम क्या बोलेंगे? How often do you study? How often do you study? तुम कब कब इंग्लिश बोलते हो? How often do you speak English? सब बोलो. How often do you speak English? How often do you speak English? How often नया वर्ड है तो हम how often यूज करेंगे. ठीक है, ये तो हो गया हमारा किसका, कब कब का. ठीक है, इसके बाद क्या रह रहा है? कहाँ कहाँ ना, कहाँ कहाँ के लिए क्या यूज़ करेंगे? वेयर ऑल. ठीक है, जैसे मुझे बोलना है कि तुम कहाँ कहाँ गए थे कल, तुम कहाँ कहाँ गए थे, मतलब किसी ने पूछा कि तुम घूमने के लिए गए थे, तो मैं पूछूंगा कि तुम कहाँ कहाँ गए थे. तो Where all did you go yesterday? अब did क्यों आ रहा है बताएंगे? Past की, past की बात कर रहे हैं. तुम कल कहाँ कहाँ गए थे? अगर मुझे बोलना है कि तुम कल कहाँ कहाँ जाओगे? Where all will you go? की बात तुम कल गएंगे? Where all will you go tomorrow? क्या बोलेंगे? Where all will you go tomorrow? तो ठीक है, कहाँ कहाँ के लिए वेयर ऑल ध्यान रखेंगे. ठीक है, कौन कौन, कौन कौन के लिए क्या बोलते हैं? Who all. ठीक है, अब मान लो कि पार्टी ऑर्गेनाइज कर रही है बर्थडे की अपने, ठीक है, घर पे. तो ये बोले, तुम इसे पूछ दो कि कौन कौन आ रहा है. कौन कौन आ रहा है? हाँ, कौन कौन आ रहा है? Who all coming? Who all are coming? ठीक है, प्लूरल की बात करेंगे, कौन कौन बहुत लोगों की बात कर रहे हैं, कौन कौन. तो हु ऑल आर कमिंग टू योर होम, ये टू योर पार्टी. क्या बोलेंगे? Who all are coming to your party? क्या बोलेंगे? Who all are coming to your party? बोलो सब बोलो. Who all are coming to your party? कौन कौन, कौन कौन डांस करेगा? Who all will dance? Will के साथ आएंगी नहीं लगता है. Who all will dance? क्या बोलेंगे? Who all will dance? कौन कौन, कौन कौन मुझे पैसे देगा? Who all will give me money? क्या बोलेंगे? Who all will give me money? ठीक है, एक होता है who's all मतलब किसका, who's का किसका जिसका होता है ना. अब मान लो किस किस का फ़ोन है यहाँ पर, तो किस किस का के लिए क्या यूज़ करेंगे? Who's all. ठीक है, who's, ये तो यूज़ करते हैं ना, who's all, WHY, who's all, किस किस का. ठीक है, तो मान लो मैं तुम साथ हम सके फ़ोन इकट्ठे कर लिए अपने पास, मान लो एग्ज़ाम हो रहा है तो मैं रख लिए, अब एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, अब तुम्हें फ़ोन चाहिए, तुम्हें बहुत सारे फ़ोन हैं, तो पूछूंगा ना किस किस का फ़ोन है यहाँ पर. तो हुज ऑल फोन इज देयर, क्या बोलेंगे? हुज ऑल फोन इज देयर. क्या बोलेंगे? हुज ऑल फोन इज देयर. ठीक है, किस किस का, किस किस की नोटबुक है यहाँ पर? Whose all notebook is there? क्या बोलेंगे? Whose all notebook is there? ठीक है, तो इस तरीके से हम whose all का यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, whom all का exactly यूज़ है who all की ज़रा. ठीक है, whom all मतलब किस किस से मिलोगे तुम वहाँ, तो who all will you meet there? या whom all will you meet there? तो इस तरीके से ये part 2 WHM family का हमने practice किया है. ठीक है.